Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badia with Modern Indian History Lectures. As you all know, we have started advent of Europeans and already completed three European powers, that is the Portuguese, the Dutch and the English. Now it's time to move towards another European power, that is the French. सो लेक्चर शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ. मैं फिलहाल जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे वो मल्टीपल वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ. मैं एक दिन में 2 to 3 वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ. सो एक चीज़ याद रखिएगा, मैं हिस्ट्री को इस तरह से इसको छोटे छोटे पार्ट्स में इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लॉन्ग रन में एक साथ पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे या फिर आपको वो याद रखने में थोड़ी सी तकलीफ जाएगी. आपको अगर ईजीली चीज़ें आपके पास होना या फिर ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में आपके माइंड में आपको स्टोर करना है तो उसको पार्ट्स पार्ट्स में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए मैं यहाँ पे एडवेंट ऑफ यूरोपियन पे 4 पार्ट्स बना चुका हूँ. मैं कार्नेटिक वॉर पे 3 पार्ट्स बनाऊंगा और तीनों वीडियो आज ही अपलोड हो जाएंगे कार्नेटिक वॉर्स के. सो इस तरह से हम हिस्ट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि हमको ये याद रखने में ईजी जाए और ये सब्जेक्ट हमें बोरिंग ना लगे. सो अब तक हमने जितनी भी यूरोपियन पावर्स पढ़ी इसमें अगर देखा जाए तो डच और फ्रेंच एक ऐसी पावर है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंच यूरोपियन पावर से रिलेटेड वो आपको कार्नेटिक वॉर्स पे होंगे क्योंकि इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में कार्नेटिक वॉर्स हुए थे. तो कार्नेटिक वॉर्स जो आज हम वीडियो डालने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है. तो उसके पहले फ्रेंच के आइडिया लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस पर भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इसीलिए हम ये याद रखेंगे. उनके फैक्ट्रीज हमको याद रखने हैं इस वीडियो में. सो सबसे पहले देखते हैं उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. सो एक कॉल्बर्ट नाम के व्यक्ति थे कॉल्बर्ट. उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंच के अंडर यानी ये जो कंपनी थी ये गवर्नमेंट कंपनी थी ये याद रखना है. और ब्रिटिश की जो कंपनी थी दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इट वाज प्राइवेट कंपनी. एंड ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है इट वाज ब्रिटिश कंपनी इट वाज गवर्नमेंट कंपनी. तो ये फर्क दोनों कंपनीज में आपको देखने मिलता है. सबसे पहले फ्रेंच कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी है और ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी है. इस तरह से ये दो कंपनीज थी. तो यहाँ 1664 में कॉल्बर्ट नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने अंडर गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंच एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी बनाई थी जिसको उन्होंने नाम दिया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1664 जो कि फ्रांस में बनाई गई थी. तो बाकी कंपनीज के तरह भी ये कंपनी जो थी इनका काम था ट्रेडिंग करना और ये सब इनके काम थे. सो ये व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई गई थी. तो ये सी के थ्रू व्यापार करते थे जिस तरह से बाकी यूरोपियन पावर्स ट्रेडिंग करते थे जैसे कि ब्रिटिश करते थे जैसे कि पोर्चुगीज करते थे डच करते थे उसी तरह फ्रेंच जो थे ये भी पानी के रास्ते यहाँ पे ट्रेडिंग करते थे. ओके सो अब हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज देख लिया है. तो अब जो हम आगे का पोर्शन स्टडी करने वाले हैं वो है फ्रेंच इन इंडिया. अब हमें देखना पड़ेगा फ्रेंच इंडिया में किस तरह से आए कब आए. तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सीक्वेंस हमने स्टडी किया ही था. सबसे पहले PDEF मैंने आपको याद रखने को बोला था पोर्तुगीज डच इंग्लिश फ्रेंच. तो पोर्तुगीज सबसे पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में आए थे और फ्रेंच सबसे आखिरी यूरोपियन बनते जो इंडिया में आए थे. अब ये जो फ्रेंच थे जो सबसे आखिरी यूरोपियन थे तो आपको ये पता ही है कि सबसे आखिरी में आए जिन्होंने ट्रेडिंग शुरू किया था इंडिया में. लगभग 6 decades यानी 6 सदियों बाद आते हैं ये 6 सदी यानी 60 साल लगभग. जैसे कि इंग्लिश ने अपना ट्रेडिंग 1600 में शुरू किया था डच ने 1602 में स्टडी शुरू किया था. ये बात अलग है कि इंडिया में वो थोड़ा सा लेट आए थे बट यहाँ पे उनकी ट्रेडिंग शुरू हो गई थी. और फ्रेंच को काफ़ी टाइम लगा इंडिया में आने को लगभग 1668 ये साल जो था तब फ्रेंच आते हैं इंडिया में. सो 1668 की 8 में क्या हुआ ये सबसे पहले जान लेते हैं. 1668 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मुझे हालांकि बहुत अच्छी फ्रेंच नहीं आती है बट ये वर्ड को मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस करने की कोशिश कर सकता हूँ. इसे फ्रांसुआ कहा जाता है. सो ये वर्ड फ्रैंकोइस दिखता है बट इसको फ्रांसुआ कहा जाता है. तो फ्रांसुआ कैरोन जो थे ये इंडिया में आते हैं. तो ये एक तरह से एक्सप्लोरर थे जैसे कि आपको पता है कि पोर्चुगीज के तरफ से कौन आए थे वास्को द गामा. डच के तरफ से कॉर्नेलिस डे हॉटमैन. ब्रिटिश के तरफ से कैप्टन विलियम हॉकिंस. उसी तरह फ्रांसुआ कैरोन जो थे ये आए थे फ्रांस के तरफ से. अब इस तरह से ये सब के नाम आपको पता ही है. तो ये एक पर्शियन एक और ट्रेडर थे जिनका नाम था मैरकारा नाम के एक पर्शियन ट्रेडर थे. उनके साथ ये पहुंचे सूरत में 1668 में. द फ्रेंच इंडिया कंपनी अंडर द कमांड ऑफ फ्रांसुआ कैरोन अकंपनीड बाय मैरकारा अ पर्शियन रीच्ड सूरत.
ओके सो ये आपको अभी पता चल चुका है, ये एक फैक्ट है जो ये इंडिया में है। अब ये फॉर्मेशन कैसा हुआ ये आपको आइडिया आ चुकी है, अब आपको ये आइडिया आ चुकी है कि इंडिया में कब आया, किस तरह से आया, कौन आया। तो अब देखना है कि इंडिया में आने के बाद इन्होंने अपने व्यापार जब शुरू किया, अपना जब ट्रेडिंग शुरू किया, तो वो किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट करते अपने कंपनीज का। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1668 में, जैसे कि आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये चीज़ें आपको मैप में मार्क करना है, ये चीजें आपको सिर्फ देखना नहीं है, कहीं लिख के रखना भी है, बट उसके साथ साथ आपको मार्क मैप पे भी इनको मार्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैप पे मार्क करते हुए चलेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले 1668 में फर्स्ट फैक्ट्री बनाई गई सूरत में बाय फ्रांसवा केरॉन। फ्रांसवा केरॉन जो थे उन्होंने फर्स्ट जो फैक्ट्री बनाई थी वो सूरत में बनाई थी इन द ईयर 1668। वो सूरत में 1668 में ही आए थे, आते बराबर उन्होंने परमिशन ले ली और उन्होंने फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो उन्होंने अगली फैक्ट्री बनाई वो उन्होंने 1669 में मसूलीपट्टनम में बनाई थी। उसके बाद मसूलीपट्टनम कहाँ पे आता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है मसूलीपट्टनम कहाँ पे आता है। ओके उसके बाद आपको याद रखना है 1673 में फ्रांसवा मार्टिन थे, फ्रांसवा मार्टिन जो थे उन्होंने मुगल गवर्नर से, वलिकंदपुरम के एक मुगल गवर्नर थे, उनसे एक एरिया देख लिया। जैसे कि उन्होंने, समझ जाइए कि उनको एक एरिया दिखाया, उन्होंने कहा फ्रांसवा मार्टिन कि हमको एक जगह होना जहाँ पे हम अपना सेटलमेंट कर सके। सेटलमेंट के लिए उनको जगह दी गई मुगल गवर्नर द्वारा जो कि वलिकंदपुरम के गवर्नर थे। वलिकंदपुरम कौन से स्टेट में आता है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ये आपके कुछ वर्क्स है जो आपको भी करना है, तभी आप सर्च करेंगे और आपको कुछ नई चीज़ें जानने मिलेंगी, आपको भी कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा वलिकंदपुरम कहाँ पे आता है। वलिकंदपुरम के एक मुगल गवर्नर थे जिन्होंने फ्रांसवा मार्टिन को एक जगह दिखाई 1673 में, और इसी एरिया को आगे एक नई एरिया, एक नया एरिया करके डेवलप किया गया और उसका नाम दिया गया पॉन्डिचेरी। तो पॉन्डिचेरी जो है इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय फ्रेंच। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है पॉन्डिचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, याद रखिए ये सब चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, बहुत इंटरेस्ट आएगा, आप ढूंढिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है पॉन्डिचेरी की आज भी ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पॉन्डिचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है। तो ये पॉन्डिचेरी बन गया है 1673 में फ्रांसवा मार्टिन को, यहाँ पे जो मुगल गवर्नर ने वलिकंदपुरम के जगह दिखाई वहाँ पे वो पॉन्डिचेरी करके उसको डेवलप कर दिया गया। उसके बाद फ्रांसवा मार्टिन ने ये जगह देखी थी और वही पॉन्डिचेरी के पहले गवर्नर बन गए। अब पॉन्डिचेरी को अलग से गवर्न करना था, उसके लिए पहले गवर्नर करके चुने गए थे फ्रांसवा मार्टिन। सो आगे हम और काफी सारी चीजें फ्रेंच की देखने वाले हैं। सो अभी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो फैक्ट्रीज था इसमें आपने इतनी फैक्ट्रीज देखी, उसके बाद आगे हम और देखते हैं 1690 में फ्रेंच को एक और जगह मिली जो चंद्रनगर करके जगह है, फ्रॉम मुगल से इनको चंद्रनगर करके एक जगह जो कि वेस्ट बंगाल में है, आज उस वक्त आज इसको चंदन नगर भी कहा जाता है। फ्रेंच ने जब इस जगह को लिया था तो इसका नाम चंद्रनगर था, तो चंद्रनगर करके एक जगह मिली थी, तो फिर से इनको वेस्ट बंगाल में एक और एरिया मिल गया। इस तरह से फ्रेंच ने एक और अपनी फैक्ट्री चंद्रनगर में बनाई। उसके बाद 1725 में माहे और यनम, ये दो जगह पे और फैक्ट्रीज, और ये जो दोनों जगह है माही और यनम, ये दोनों जगह पौंडीचेरी या पुदुचेरी में आती है। ओके तो ये दोनों है पुदुचेरी में, ये याद रखिएगा। सो पुदुचेरी नाम के यूनियन टेरिटरी में आज माही और यनम आते हैं, उस टाइम पे ये फ्रेंच को मिले थे। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे 1739 में उनको कारिकल मिला था। कारिकल कहाँ आता है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है कारिकल कहाँ पे आता है। कभी भी कमेंट सेक्शन में लिखते वक्त ये लिखिएगा कारिकल और उसके सामने ब्रैकेट में लिखिएगा कहाँ पे। ओके ये आपका वर्क होगा। उसके बाद 1742 में डुप्लिक्स जो थे ये फ्रेंच गवर्नर बने इंडिया में, और उसके बाद इंग्लिश फ्रेंच स्ट्रगल शुरू हो गया जिसको हम कार्नेटिक वॉर्स कहते हैं। तो कार्नेटिक वॉर की शुरुआत हुई जैसे डुप्लिक्स आए उसके बाद से। तो याद रखिएगा 1742 में डुप्लिक्स का एज अ गवर्नर आना, ये बहुत बड़ा सिनेरियो चेंज करने वाला एक इवेंट बन गया। सो यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से हम अभी आगे जो स्टडी करने वाले आगे के वीडियोज़ में वो कार्नेटिक वॉर होंगे। कार्नेटिक वॉर जो हुए थे वो टोटल 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे। हम 3 कार्नेटिक वॉर के लिए अलग अलग वीडियोज़ बनाएंगे क्योंकि मैंने इसको जिस तरह से बनाया हुआ है वो काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। सो एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो मेरे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे तो आप उस रेफरेंस बुक को स्टडी कीजिए, और मैंने जितनी यहाँ चीज़ें बताई है ये कहीं ना कहीं आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये चीजें काफी सारे जगह पे आपको ढूंढते वक्त थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको रेडीमेड लाके दी हुई है, तो इसको आप नोट डाउन करिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे।
सो डुप्लिक्स बन गए फ्रेंच गवर्नर और बाद में शुरू होगा इंग्लिश फ्रेंच स्ट्रगल जिसको कार्नेटिक वॉर कहा जाता है. अगले वीडियोज में हम कार्नेटिक वॉर स्टडी करने वाले हैं. सो इस वीडियो में फ्रेंच जो थे एडवेंट ऑफ यूरोपियन में फ्रेंच इस चैप्टर से इतना जो है इतना आपके लिए सफिशियंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इंग्लिश और फ्रेंच के स्ट्रगल से आएंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगर आप ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करते रहे, अभी मैं आपके लिए मल्टीपल वीडियोस ला रहा हूँ तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें. आप जितने व्यूज़ देते उतने लाइक करते रहिए मेरे वीडियोज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मेरे पेजेस को श्रेयस बढ़िया, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन को. इंस्टाग्राम पे आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं, श्रेयस बढ़िया द पीस लवर ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है. आप मुझे मेल कर सकते हैं श्रेयस बढ़िया @gmail.com पे. सो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को ताकि मैं और नई नई सीरीज आपके सामने लाता रहूं. सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक पसंद करने के लिए. आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सेफ रहे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें. सो हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट और हम मिलेंगे नए लेक्चर के साथ जो कि कार्नेटिक वॉर्स पे होगा. So see ya.